दो, ऑटो का चाबी मैं छोड़ देता हूँ तुमको घर। अब क्या कर रहे हो ये? आप अकेली लड़की देखकर आए हो ना छेड़ने? अरे हाँ एकदम, मैं तो देखा पापा आपको की परी। आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगी। कहीं नहीं, मुझे आपसे बस दोस्ती करनी थी, कहीं जाना नहीं था। उस पर आज अंकल, अरे आंटी, अरे ये टेम्पो वाला कहाँ गया? अरे मेरा ही ऑटो है, ये मैं ही चलाती हूँ। आपका ऑटो है? हाँ जी, मैं ही ऑटो चलाती हूँ। अरे रे, तो आपके भाई और मतलब आप ही चलाते हो? हाँ, मैं ही चलाती हूँ, ये मेरा ही ऑटो है। आप ऑटो चलाने वाले हो? हाँ जी। सच बताओ, मजाक नहीं? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। मैं अभी सुबह सुबह ऐसे निकल के ऑटो के सामने खड़े रह के मजाक तो नहीं करूँगी। आप बताइए आपको कहाँ जाना है, वैसे भी सुबह से कुछ हुआ नहीं है मेरा धंधा पानी। तो आप इधर क्या कर रहे हो? उधर जाओ ना, बैंड्रा के साइड, उधर मिलेगा सवारी। मुझको बैंड्रा ही वैसे जाना था। तो मैं आपको छोड़ देती हूँ, आपको बैंड्रा में कहाँ जाना है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, क्या पता पापा की परी है उड़ जाएगी ऑटो के साथ। मेरे को लेके तो दिक्कत, मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऑटो चला रहे हो, सच में कसम से। ये लड़की को देखा नहीं कि आ गए छेड़ने? हाँ, मुझको आप ही तो मिले थे सुबह से, मैं ऐसे ही घूम रहा था, इधर आया था, मैं सोचा हूँ कि अरे वो लड़की है ना जो ऑटो चलाती है, उसको चलूँगा और छेड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आपको सच में कहीं जाना है तो फिर आप बोलिए, मैं आपको बैंड्रा मुझको जाना था, लेकिन मुझको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो, ये आपका ऑटो हो ही नहीं। ये चाबी है यहाँ रखी है मैंने ऑटो की, आप कुछ चालू करके मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, विश्वास है देवी, मुझे विश्वास है। क्यों लड़के ऑटो नहीं चला सकती है? मैंने आज देखा नहीं है ऑटो चलाते हुए, इसलिए मुझको विश्वास नहीं हो रहा था। तो आप क्यों ऑटो चला रहे हो यार, इतनी सुंदर होके? मजबूरियाँ है मेरी, और आप अकेली लड़की देख के छेड़ने आ गए। मैं मजबूरी में ऑटो चला रही हूँ, और अगर आपको झूठ लग रहा है तो फिर मैं आपको सच में भी छोड़ सकती हूँ, आपको जहाँ जाना है। जाना तो था मुझको, नहीं क्या मतलब ऐसी क्या मजबूरी? मेरे पापा ऑटो चलाते थे, और अब मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो ऑटो का मैं ही चला रही हूँ ऑटो, पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। तो रात रात को भी चलाते हो, सिर्फ दिन में चलाते हो? मैं कोशिश तो करती हूँ रात में भी चलाने की, लेकिन अरे मत चलाया करो रात रात में, लड़की का ऑटो चलाना अच्छा नहीं है, आई थिंक सो। नहीं नहीं, मजबूरी है मेरी, अब चलाना तो पड़ेगा। आप इतनी सुंदर हो, आपको कहीं पे कोई जॉब करनी चाहिए, कॉर्पोरेट लॉयर और बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। आप मुझे छेड़ने आए हो कि? नहीं नहीं, सच में मैं आपको क्यों छेड़ूंगा, मुझे को मालूम नहीं था, मुझको लगा ना कि आप भी वेट कर रहे हो, आपको भी कहीं जाना है और मुझे भी कहीं जाना है, मैंने सोचा हम दोनों साथ में चल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? साथ में नहीं, मैं आपको आगे बैठ कर और आप पीछे बैठ कर मैं आपको छोड़ सकती हूँ। वो तो मुझे ही पता है कि मैं पीछे बैठूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? हे भगवान, हनी। हनी, ओ माय गॉड, इसीलिए तो मैंने सोचा आप इतने सहज जैसे क्यों लग रहे हो। आप अकेली लड़की देखकर आ गए ना छेड़ने? हाँ वही तो, यही तो मेरा काम है, मतलब तो दुनिया में और मतलब कोई काम आप ऐसी लड़कियाँ ढूंढते रहते हो? मां नहीं, नहीं, नहीं है आपके घर पे? नहीं, ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ मैं जबरदस्ती। तो आपको कहीं जाना, मुझे तो नहीं लग रहा आपको कहीं जाना है। कहीं जाना, बस एक लड़की देख कर आ गए जाना था, लेकिन एक लड़की पे ट्रस्ट नहीं है कि वो ऑटो कैसा चलाएगी। ऐसे कैसे ट्रस्ट नहीं है? अरे मैं देखा हूँ ना, ये समानता वो करो, ऐसा थोड़ी होता है, लड़की लड़की में फर्क नहीं होता। ब्रेक कैसे मारते हो, ब्रेक दबा के या पैर से? अब ऑटो, अरे ऑटो चला रही हो तो फिर ब्रेक से ही मारना पड़ेगा ना। दोस्त स्कूटी रोकने के लिए पैर का इस्तेमाल करती है, इसलिए मुझको ट्रस्ट नहीं है। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती है, और सबके सर पे जिम्मेदारियाँ नहीं होती है। लड़के जैसे हो मतलब? मतलब आप ही नहीं बोला सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, तो मुझको लगता है कि लड़की से हट के आप हो। मैं लड़की ही हूँ और आपको विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, विश्वास तो है, आप देखने में लड़की लग रहे हो, इतनी सुंदर लड़की ही हो सकती है। हाँ, आप छेड़ने आए हो क्या मुझे? नहीं नहीं, मेरा नाम विशाल है और आपका नाम तो मैं जान गया, हनी, यू आर सो हनी। सॉरी, आपको कहाँ जाना है आप ये बताओ, मैं आपसे मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लोकेशन बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ,
आप पीछे बैठ जाओ, मैं चला लूँगा। आप सुन तो लो, ये आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे तो मैं बोलूँ। यहाँ से लेफ्ट, फिर वहाँ से राइट, फिर राइट से लेफ्ट होके फिर यू टर्न लेना है, समझ रहे हो? यू टर्न लेके आपके दिल में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं उधर से आया हूँ, यूपी बनारस से। इसलिए आप ऐसे हो? इसलिए आप ऐसे हो मतलब? अब मेरा टाइम मत वेस्ट करो, कहाँ जाना है। अरे आप मुझको सच में अच्छे लग रहे थे कसम से, इसलिए मैं आपको सोचा बात कर लूँ आपसे। अरे यार ऐसा कोई गलत बात नहीं है, मैंने सोचा कि आपसे आके बात कर लूँ थोड़ी, मतलब बस ऐसे सॉरी। देखो मैं कस्टमर का वेट कर रही हूँ इतना टाइम से, आप आके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको घंटे के हिसाब से पैसा दे देता हूँ, आप मुझसे बात कर लो 15-20 मिनट। ऐसा नहीं होता है, आप ऐसी गलत बातें नहीं कर सकते हो मेरे साथ। गलत बात? मैं गलत बात कर रहा हूँ? मैं ऑटो चलाती हूँ वो भी मजबूरी में, और आप मुझसे ये सब बातें कर रहे हो। अरे तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं बोला हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझको लगा आप भी वेट कर रहे हो ऑटो का, तो मैं सोचा आपसे दोस्ती हो जाएगी शेयरिंग में चलोगे अगर तो। नहीं नहीं मैं ऑटो चलाती हूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयरिंग में कैसे चल सकती हूँ? आप जो अकेली दे लड़की देखकर आए हो, मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाना है। मुझे बस आपसे दोस्ती करनी है। अरे मैं बस, अब आप पूछ रहे हो कि आपको क्या करना है तो मैंने बता दिया, इसमें मैं इतना बुरा लग रहा हूँ क्या आपको? देखो मेरी मजबूरी है, मुझे ऑटो चलाना। अरे बस बस करो बस, मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ देवी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुमको कि क्या मजबूरी है क्या नहीं मजबूरी है, या अंगूठी छीन के भागने के चक्कर। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपसे दोस्ती करने आया था, ऐसा कुछ जबरदस्ती थोड़ी ना मैं कुछ बोल रहा हूँ या कुछ करने को कह रहा हूँ। दो ऑटो का चाबी मैं छोड़ देता हूँ तुमको घर। अब क्या कर रहे हो ये? आप अकेली लड़की देख कर आए हो ना छेड़ने? अरे हाँ एकदम, मैं तो देखा पापा की परी। आपको कहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूंगी। कहीं नहीं, मुझे आपसे बस दोस्ती करनी थी, कहीं जाना नहीं था। मैं आपसे इतने टाइम बात किया, आपका टाइम वेस्ट किया, उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। क्या बोलती है? फिर लाओ। जाओ तो मेरी दोस्ती भी हो जानी चाहिए, बता रहा हूँ। ठीक है चलेगा। अरे साला लो, तुमने इतने टाइम तक मुझसे बात की, लो 500 रुपये। अब अपना नंबर दो। क्या हुआ? तो तुम कब तक यहाँ पे हो? मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, जैसे ही मुझे कोई मिल जाएगा तो उसको छोड़ने तो जाना पड़ेगा रिक्शा से। वैसे आपके पापा की तबीयत खराब है? हाँ जी बहुत, अब सब जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। तो वैसे आप बहुत ब्रेव लग रहे हो यार, आप ऑटो चला रहे हो, लड़की हो के, बहुत सारे लड़के जिम्मेदारियाँ आ जाती है सर पे तो करना पड़ता है। वो आपके पापा तो बहुत खुश होंगे आपसे। खुश कहाँ है, अभी तो बेड पर है पापा, तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा छोटा भाई भी है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, फिर सब खर्चा मुझे ही देखना पड़ता है। अब वो भी तो पूरा पड़ता है नहीं, जो मैं ऑटो चला के कमाती हूँ वो भी घर पे नहीं पूरा पड़ता। चलो यार मैं तो यही सोचूंगा कि आप अच्छा करो या आपका फ़ायदा हो। वैसे आप अच्छे लग रहे थे, मैं आपको फ़ोन करूँगा, मिलूँगा, चलूँगा आपके साथ। वैसे तो मैं यूट्यूबर हूँ और वीडियो बनाता हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं वीडियो बना रहा था आपके साथ। सच में? हाँ तो मैं चलता हूँ, आप मुझको बहना तक छोड़ दो। कहाँ है कैमरा? कहाँ कैमरा? उधर मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ आपको नहीं दिखेगा। सच में वीडियो बना रहे थे या सच में मुझे छेड़ने आए थे? नहीं नहीं वीडियो बना रहा था। आप चलो चाय पी के मेरे को छोड़ दो। ठीक है चलो। कट पीस हो गया, कट पीस कैसा बन रहा हूँ। तो कौन था यू?